दोस्तों स्वागत है मेरे टेक चैप्टर चैनल में। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि चैनल को यूट्यूब सर्च बार में कैसे लाते हैं। विद प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा कि चैनल सर्च बार में किस तरह से लाया जाता है। तो चलिए हम चलते हैं मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में। मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में जाने से पहले मैं आपको अपने चैनल का नाम सर्च करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। मेरे चैनल का नाम है टेक चैप्टर। देखिए नीचे वाले सेकंड वाले ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि ये यूट्यूब ने ऑलरेडी दे दिया है कि आप टेक चैप्टर चैनल सर्च करना चाहते हैं, तो मेरा सेकंड वाले पे आ गया है। तो अब मैं यहाँ पर सीधा सिंपली कर देता हूँ टच। तो देखिए मेरा यहाँ पर टेक चैप्टर चैनल सर्च में नहीं आ रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे खुद का ही चैनल सर्च में नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं है। मैंने ये वीडियो बनाने के लिए और आपको दिखाने के लिए अपने चैनल को जानबूझकर सर्च बार में से हटाया है। मेरा चैनल सर्च बार में आता है और नंबर एक पर आता है। मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि आपको करना क्या है। आपको जो मैं स्टेप्स बताऊँगा वो आपको फॉलो करनी है। तो चलिए हम चलते हैं मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में। मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है यूट्यूब। अब आपको यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट ओपन कर लेनी है। डेस्कटॉप साइट में कर लेना है। अब आपको यहाँ पर अपने लोगो पर सिंपली क्लिक कर देना है और नीचे की तरफ योर चैनल पर क्लिक कर देना है। अभी आपको कस्टमाइज चैनल और मैनेज वीडियो, आपको सीधा मैनेज वाले वीडियो ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको नीचे की तरफ यहाँ पर ये सेटिंग्स नीचे की तरफ मिल जाएगी आपको, और सिंपली सेटिंग पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन पर, चैनल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर अब आपके सामने ये नीचे वाले ऑप्शन में आ जाएगा कीवर्ड। अब आपको यहाँ पर कीवर्ड पर कर देना है। अब आपको करना क्या है। अब आपको जिस तरह से मैं कहूँ आपको इस तरह से स्टेप फॉलो करने हैं। जैसे कि मैं अब आपको लिखना बताऊंगा कि आपको यहाँ पर कीवर्ड कैसे लिखने हैं। तो चलिए मैं आपको दो कीवर्ड लिख के बता देता हूँ, बाकी तो मैंने ऑलरेडी लिख लिए हैं, यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने अपने चैनल का नाम लिखा टेक चैप्टर। तो आपको यहाँ पर कोमा और आपको यहाँ पर स्पेस दे देना है। ये हो गया आपका एक कीवर्ड। अब आपको दूसरा कीवर्ड लिखना है, तो आप चाहे लंबा लिखें छोटा लिखें। जैसे कि मैं एक और लिख के बता देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेक्निकल चैप्टर। अब ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर आपको कोमा लगा देना है और ये स्पेस दे देना है। अभी आपका दूसरा हो गया कीवर्ड। अब आपको इसी तरह से जितने भी कीवर्ड लिखने हैं आपको कोमा लगा के स्पेस दे देना है। अब जब आप स्पेस दे देंगे तो आप यहाँ पर कहीं टच करेंगे तो ये आपके कीवर्ड हो गए इस तरह से। अब जो मैंने कीवर्ड ऑलरेडी लिख रखे हैं तो मैं यहाँ पर कर दूंगा उन्हें पेस्ट। तो देखिए मैंने जो है, मेरे चैनल का नाम है टेक चैप्टर, तो मैंने अपने टेक चैप्टर चैनल के ऊपर ही सारे कीवर्ड लिखे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका किसी भी कैटेगरी में चैनल है तो आप उसी कैटेगरी का लिखें। तो जैसे कि अब मैं आपको और कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगा जो आपको ध्यान से समझ लेनी है। जैसे कि आपने ये कीवर्ड लिख दिए, आप यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर सेव कर देंगे। अभी अपडेट होने में इसमें कुछ टाइम लग सकता है, जैसे कि 24 घंटे से ज़्यादा भी लग सकता है या इससे ज़्यादा भी लग सकता है। और आपको इसके अलावा करना क्या है, आपको और भी स्टेप फॉलो करनी है। जैसे कि अब आप अपने वीडियो अपलोड करते हैं तो अपने वीडियो का जब टाइटल लिखते हैं तो टाइटल के लास्ट में आपको अपने चैनल का नाम लिखना है। एक स्टेप ये हो गया। अब दूसरे में डिस्क्रिप्शन आता है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी अपना नाम लिखना है। और फिर आता है टैग लगाना, तो आप टैग में भी अपने चैनल का नाम ज़रूर लिखें। और आप जो है दो से तीन वीडियो अपलोड करें और इसके बाद आपका चैनल 101% आएगा, बल्कि आपका चैनल नंबर एक में आएगा यूट्यूब सर्च में। तो चलिए मैं अब यहाँ पर सेव कर देता हूँ और मैं आपको यहाँ पर यूट्यूब में जाकर दिखाता हूँ कि मेरा चैनल सर्च में आया या नहीं आया।
मैं आपको यूट्यूब में दिखा देता हूँ। देखिए मैंने अभी जो सर्च किया था अपने चैनल का नाम, तो मैं इस चैनल को दोबारा से सर्च करके आपको दिखाता हूँ। देखिए मेरे चैनल का नाम सबसे ऊपर आ गया और मेरी वीडियोस भी आ गई। दोस्तों इस तरह से आप अपने चैनल को सर्च में ला सकते हैं, और जैसे मैंने स्टेप्स बताए हैं आपको ऐसे ही फॉलो करने हैं। हो सकता है आपका अपडेट होने में, यूट्यूब अपडेट करने में थोड़ा सा टाइम लगा दे, आपको 2-3 वीडियोस अपलोड कर देनी है जिस तरह से मैंने आपको बताई है। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ ऐसे ही हेल्पफुल इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।